भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। बयान में कहा कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदला सकते हैं। 2000 रुपए के नोटों के सर्कुलेशन से बाहर होने के बाद भी ये नोट वैध रहेंगे। आरबीआई के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है और नोटों की बदली की जा सकती है। आरबीआई ने बैंकों से नए 2000 के नोट जारी करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। नोटों को बदली के लिए सभी बैंकों को निर्देश भी दिए गए हैं। लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। वहीं 23 मई 2023 से भी किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक यानी 2000 की 10 नोटें बदली जा सकती हैं। नोट बदली के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क या फिर फीस नहीं लगेगी। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा किया या बदला जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि इसके बाद क्या होगा। ये संभावना है कि आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी करे। आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ही 2000 के नोट बाजार में चलन में थे। इन दोनों का सर्वाधिक सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए था, जो कुल नोटों का करीब 10% है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपए की नोट जारी किए गए थे। जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई तो 2018 से 19 में 2000 के नोटों को छपना बंद करा दिया गया। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है। वही कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 2000 के नोट कभी भी क्लीन नोट नहीं थे। लोगों ने इस नोट का इस्तेमाल बड़ी संख्या में कभी नहीं किया। इसका इस्तेमाल सिर्फ काले धन को स्थायी तौर पर रखने के लिए किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा और अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कई लोगों को अपनी गलतियां देर से समझ में आती हैं। 2000 के नोट के साथ भी ऐसा ही हुआ। उस फैसले की सजा आज देश की अर्थव्यवस्था और जनता भुगत रही है। अखिलेश ने कहा कि शासन मनमानी से नहीं बल्कि ईमानदारी और समझदारी से चलता है। हो रही थी और 500 और 1000 रुपए के नोट को जब प्रतिबंधित कर दिया गया था तो नए नोट को लाने में समय लगता और लंबी लंबी लाइन लगी थी। लोगों को बदल कर 500 और 1000 का नोट दिया जाना था, तो इसलिए तात्कालिक राहत के रूप में सरकार ने 2000 का नोट छापना शुरू किया था। लेकिन 18-19 के बाद उसकी भी छपाई बंद हो गई थी। इसलिए जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, उनको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आम आदमी का तो 2000 का नोट है ही नहीं। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी दृश्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताएं कि बंद करने का उनके उनके पीछे मंशा क्या है, क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, ज्यादा आ गई क्या, वो बताएं। वो देखिए, जो नोटों को रोकने की चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फ़ायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से खोए नरेंद्र मोदी की बीजेपी आरएसएस की रिजीम की ये सरकार, इसने भारत के लोगों को जोकर समझ रखा है। जब देखो अचानक ख्याल आया नोटबंदी कर दी और भारत के लोगों की हजारों हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है।
1000 रुपए का नोट भी इन्होंने बंद किया था और कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया। लाइनें जरूर लगी, उस समय लाइनें लगी और 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया, अब फिर से लाइनें लगेंगी। आखिर में केंद्र सरकार करना क्या चाहती है? 1000 रुपए का नोट बंद किया तो अपने भगोड़े मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किया, अब 2000 रुपए का नोट बंद कर लो तो इससे किसको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है? आपने नोटबंदी के समय 1000 रुपए के नोट को बंद करके कहा था कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और अन्य तरह के आपराधिक मामलों को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि 1000 के नोट को प्रचलन से बंद किया, 2000 नोट का प्रचलन शुरू किया और 2000 नोट भी मार्केट से गायब हो गए। मार्केट से किसने गायब किया इसका पता लगाना चाहिए। 2023 में एक बार फिर आरबीआई ने फरमान दे दिया कि 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे, सितंबर तक का समय है, बदल लीजिए। अरे भाई, क्यों बार बार जनता को परेशान करते हो? हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। 10-5 हजार, 20 हजार, 1 लाख के करीब अगर 2000 के नोट हैं भी तो अब कल से लोग धूप में लाइन लगाएं, उस नोट को बदलें। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।